देखिए इस तरह का बयान देकर बिहार को शर्मसार कर रहे हैं और छपरा के अंदर मरने वालों की संख्या बढ़कर 100 का आंकड़ा पार कर गई है, लेकिन सरकार के अनुसार 15-20 लोग ही मरे हैं। तो सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। बड़ी संख्या में लोग डर के मारे, पुलिस के डर से दूसरे जिलों में जाकर अपनी लाशों को दफना रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन सरकार जो है बार बार कह रही है कि जो पिएगा वो मरेगा। अरे जो पिएगा वो जेल जाए तो समझ में आ सकती बात कि बिहार में कानून है, जो पिएगा वो जेल जाएगा, लेकिन ये तो दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी सरकार है। 4 लाख लोगों को जेलों के अंदर बंद कर दिया, सप्लायर गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं और आज उनका बयान आया कि अब पुलिस गरीब गुरबा को तंग नहीं करेगी। लेकिन पासी समाज के लोग, जिनका यही धंधा था, जिनका यही व्यवसाय था, वो तो बेचारे बेरोजगार हो गए। और देखिए शराबबंदी के कारण 30,000 करोड़ रूपये से ज्यादा का बिहार को नुकसान हुआ है, फिर भी हमने साथ दिया। तो 1,30,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है, दूसरी ओर 1,000 लोग मर गए बिहार के अंदर जहरीली शराब पीकर, और तीसरी ओर 4 लाख से ज्यादा लोग जेल चले गए। तो नीतीश जी, ये इस तरह की शराब नीति के बारे में विचार कीजिए कि कैसे इसको ठीक प्रकार से लागू किया जाए। हम आपके साथ खड़े, हम शराबबंदी के पक्ष में, लेकिन 30,000 करोड़ के नुकसान के बाद अगर 1,000 लोग मर जाए और 4 लाख गरीबों को जेल जाना पड़े, ये तो आपकी पूरी नीति दलित विरोधी, गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी नीति हो गई। तो इसलिए पूरी नीति की आपको समीक्षा करने की आवश्यकता है।